दोस्तों मेरे पास दो प्रकार के हेलमेट हैं। एक मेरे पास स्टड्स का है और एक है मेरे पास TVS का कंपनी का। मैं इसमें ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा देखेंगे ये आपका दोनों हाफ हाफ टाइप से है, हेलमेट है, फुल क्लोज नहीं होता है। हाँ, ये हेलमेट ये है कि ये नाक, मतलब अगर आप मीडियम, दोनों मीडियम साइज के हैं, ये ज़्यादातर नाक के आसपास के बाद से ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर आप हेलमेट लगा रहे हैं और बाइक चला रहे हैं तो आपको वो हवा नाक से नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ भी आ सकता है और मतलब लगता है, समझ जाइए, ठंड के हिसाब से बिल्कुल, ठंड के हिसाब से ये स्टड्स का हेलमेट बिल्कुल सही मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पूरे हवा जो गले में आता है। उसके बाद TVS की बात करें, ये ठीक है, ये आपका हेलमेट काफ़ी हद तक पूरा मुंह जो आपका रहता है, ठुड्डी ठुड्डी की चिन तक आपका करीब करीब ये हेलमेट आपका यहाँ तक ढक जाता है, ठीक है। हाँ, कुछ इसमें आपको बता दूँ कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज मेरे को जो अभी समझ में आया, क्योंकि मैं लगा चुका हूँ, ये ठंड के हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, अभी बल्कि मेरे को करीब ये दो करीब, हाँ ये मेरे को हो गया होगा ढाई 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 दो साल के आसपास हो रहा होगा। तो ये हेलमेट मैंने लगाया है तो मुझे ये गर्मी के समय ये हेलमेट बहुत ही सही लगा, ठीक है। अब ये बल्कि मैं मुझे बाद में पता चला गर्मी के टाइम कि इसका यूज क्या है। ये देखिए, ये लगता है कि ये फालतू ऐसे दे दिया है कुछ, लेकिन ये बहुत काम का है। गर्मी के टाइम अगर सूर्य की रोशनी अगर ज़्यादा तेज आता है तो डायरेक्ट आपके आँख में नहीं लगता है। और इस हेलमेट की बात करें तो आपको इसमें जब आप लगाएंगे तो या तो आपको चश्मा वगैरह लगाना पड़ेगा, सन ग्लासेस लगाएं यूज करेंगे तभी आप बाइक चला सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी आपके आँख में पड़ता है। तो ये मेरे को ज़्यादा गर्मी के टाइम से ही लगा, गर्मी के टाइम भी लगा सकते हैं या ठंड के समय भी, सॉरी बारिश के टाइम, बारिश के टाइम भी ये फायदा है कि ये जो पानी, अगर पानी चलते चलते अगर आप बाइक चला रहे हैं तब भी तुरंत आपके आँख में नहीं पड़ता है। हाँ, ये है कि आपको ये कांच उतना सही नहीं है, धुंधला दिखाई पड़ता है इसमें, सेम प्रोसेस वही है। बस इसमें कुछ ये फ़ायदा है आपको मैं बता देता हूँ कि बस धूप के लिए मैं बता दिया हूँ, यूज किसके लिए। हाँ, ये थोड़ा इससे महंगा है, 300-400 रुपये, और ये आपको कम में मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है, और इस प्रेशन को दिखा देता हूँ। क्वालिटी देखा जाए तो क्वालिटी इसकी ज़्यादा डिसेंट लग रही है मुझे स्टड्स की, क्योंकि थोड़ा महंगा भी है। आपके देखिए, ये कान को ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है, लेकिन अगर कुछ आप बाइक चला रहे हैं तो इतना ज़्यादा भी नहीं है कि ये तो आप कान बांधे हुए तब तो ठीक है, नहीं तो कुछ कीड़े अगर रात के टाइम चला रहे हैं तो आपके कान में कीड़े चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए ये इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, ठीक है, बट ये देखिए इसका ब्लैक केबल जो है आपको ये वाला क्लिप देता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे जो सही लगा है, आप हेलमेट दोनों यूज ये नहीं कर सकते हैं कि मैं, मेरे पास जो हेलमेट है मैंने उसको बताया है, बाकी आपको जो सही लगे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ एक हेलमेट और लूँ, क्योंकि ठंड के टाइम वो जो आप देखे होंगे कि ये पूरा जो एक लॉक रहता है, ये पूरा लॉक जो पूरा बंद हो जाता है हेलमेट, तो मुझे ठंड के हिसाब से बहुत ज़रूरी लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ एक हेलमेट और लूँ, ठीक है दोस्तों। दोनों ISI और प्रमाणित हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।